बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार भाटिया और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज़म ख़ान प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जनाब इमरान ख़ान साहब के, वो वादा माफ़ गवाह बन गए। उससे पहले की स्टोरी क्या है, आज़म ख़ान ने दफ़ा 164 का बयान जो दिया है मजिस्ट्रेट के सामने, उसमें सैफर के हवाले से क्या कहा, और इस पर इससे पहले जो दफ़ा 164 का बयान दिया था इसहाक डार साहब ने हदीबिया पेपर के हवाले से, और उस वक़्त जो अब आने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, इनके रिमार्क्स क्या थे, ये सारी सूरत हाल आज आपके सामने रखेंगे कि 1977 में भी एक वादा माफ़ हुआ बने थे फेडरल फोर्स के, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकला, फिर नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह जनाब इसहाक डार साहब बने, इसका रिज़ल्ट क्या निकला, और जनाब जज साहब का क्या बयान था। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, पहले ज़रा आज़म ख़ान के हवाले से बात कर लें कि आज़म ख़ान साहब 2018 से लेके 22 अप्रैल या 20 अप्रैल तक या 9 अप्रैल तक वो स्याह सफ़ेद के मालिक रहे, जब तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब थे। वो जब दफ्तर आते सबसे पहली मुलाकात आज़म ख़ान से होती, शहजाद अकबर से होती, और जब वो दफ्तर से वापस बनी गाला जाते तो उनको सी ऑफ करने वाले भी आज़म ख़ान हुआ करते थे। तो ये जो बेशुमार मुश्किलात थी इन पर और मुकदमात थे, ये मालूम जब्बा से लेके जंगलात की कटाई वगैरह तमाम तर केसेस से अब लगता है कि वो बरी हो जाएंगे, क्योंकि वादा माफ़ गवाह जो बन चुके हैं। मोहतरम नाज़रीन इकराम, इससे पहले जनाब जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का एक फ़ैसला आया था, दफ़ा 164 का बयान इसहाक डार साहब ने दिया था परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत में, हदीबिया पेपर मिल के हवाले से, ये था कि उन्होंने कहा था कि मैं जो काम करता था वो जनाब मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के कहने पे करता था, मैं उस दौर में उनके कहने पर मनी लॉन्ड्रिंग तक करता रहा। ये बयान था, इससे मिलता जुलता यही मैंने शॉर्ट करके आपको बता दिया। और फिर जब ये केस लगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, तो जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं सितंबर में आ जाएंगे, तो उन्होंने ये कहा था कि जब तक इसका जो जिसके ख़िलाफ़ बयान दिया गया, यानी कि इसहाक डार साहब ने बयान दिया था नवाज शरीफ साहब की रूबरू, अगर रूबरू हैं तो इस बयान को एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज इस बयान को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लिहाजा अगर आज़म ख़ान साहब ने इल्ज़ाम लगाना है साइफर वाला, तो वो इमरान ख़ान साहब की मौजूदगी में लगाएं, गैर मौजूदगी में उसके को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यूँ लगता है कि ये केस यहाँ पर उठ जाएगा। अब इस केस के हवाले से 24 जो है जुलाई, उसमें एफआईए ने असद उमर और उस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को तलब कर रखा है, उससे अगले रोज़ 25 जुलाई को जनाब इमरान ख़ान साहब एफआईए के रूबरू पेश होंगे। फेडरल इंटेलिजेंस जो एजेंसी है उसके रूबरू ये 24 को असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, और उसके बाद अगले दिन 25 जुलाई को जनाब इमरान ख़ान साहब पेश होंगे। तो देखते हैं कि इसके बाद क्या रिज़ल्ट निकलते हैं, क्या नहीं निकलते। इमरान ख़ान साहब पर इल्ज़ाम ये है कि जो साइफर आया था, जो अमेरिका से उस सफ़ीर ने सैफर भेजा था, वो सैफर जनाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो उस वक़्त के थे, स्याह सफ़ेद के मालिक थे, डिप्टी वज़ीर आज़म थे, सब कुछ थे, जो चाहते थे कर सकते थे। इमरान ख़ान साहब इनके कहने के बगैर कोई काम नहीं करता था। लोग अक्सर शिकवे शिकायत करते थे कि हमारे काम नहीं हो रहे, जो आज़म ख़ान चाहता है वही होता है, इतना बड़ा पावरफुल होता। और कुछ दिन पहले वो गायब हुए थे, और गायब होने के बाद उनके अहलो अयाल ने एक एप्लीकेशन दी थी थाने में, और फिर वो अचानक मंजर आम पर आए और उन्होंने कहा कि मैं अब पुलिस के डर से
कहीं अपने दोस्त के पास छुपा हुआ था, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझसे जो साइफ़र लिया गया था वो इमरान खान साहब ने ले लिया था, और उसके बाद जब मैंने तकाजा किया कि वो साइफ़र वापस कर दिया जाए तो इमरान खान साहब ने कह दिया कि वो गुम हो गया। तो देखते हैं कि अब 24 और 25 को क्या फैसला होता है और इस ड्रामे का ड्राफ्ट सीन क्या निकलता है, ये तो फिर इन्वेस्टिगेशन जो तहकीकात होंगी उसके बाद ही पता चलेगा। और साइफ़र का जो मैंने आपको बताया कि दफ़ा 164 का जो बयान है मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है, उसमें जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ीसा साहब जो आने वाले दिनों में, अब जुलाई है फिर अगस्त और सितंबर में, वो अपने अहदे का हलफ उठा लेंगे और चीफ जस्टिस होंगे, उनका स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड है कि वो कहते हैं कि जब तक जो बयान देने वाला और जिसके खिलाफ बयान दिया जा रहा हो वो सामने मौजूद ना हो तो ये इसको रद्द किया जाता है। इसी बना पर उन्होंने ये केस जो था इसहाक डार साहब का खारिज कर दिया था और उसको ख़त्म कर दिया था। अब देखते हैं कि सुहेल वड़ैच साहब ने अब बड़ा दिलचस्प तबसरा किया है इस पर कि अगर इस वक्त इलेक्शन होते हैं, हमदर्दी का वोट इमरान खान साहब या पीटीआई को मिलेगा, उस हमदर्दी के वोट में शायद वो वफाकी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएं। इसमें कहां तक सदाकत आई है इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। अब हुकूमत निगरान सेटअप की तैयारियों में लगी हुई है और मज़ीद जो इस साइफ़र के हवाले से तहकीकात हैं वो 24 और 25 जुलाई के बाद होंगी। और इंशाअल्लाह ताला 25 की रात को वीलॉग करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। खुदा हाफिज़।